हरि अधिकारी भव जब कंस राज बड़ी सो भोजन चलन लगे सारे नियम बदल दिए। मेरी समझ में एक बात आई बहनाओं, कि जो कुर्सी पर बैठता है वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। भारत देश की दुर्दशा इसीलिए तो हो रही है। आज के नेता को देश की चिंता ना है, देश चलो जाए भाड़ में, अपना काम बने। और मेरी समझ में तो जहे बात आई लोगों के, मेरो भारत देश तो यो मास्टर जी को पाजामा, जो कुर्सी पे बैठे थे सोई नाप के चार अंगूर कैंची चलाए थे। देख नहीं रहे हो? आप लोग सोच रहे होंगे कैसा मास्टर जी का पाजामा, तो सुनो, प्राचीन काल में मास्टरों की तनख्वाह बहुत कम होती थी। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल साहब बोले, सभी टीचर्स कल नए नए कपड़ा पहन के आएंगे सभी छात्र, क्योंकि कल स्कूल में निरीक्षक साहब आ रहे। एक मां साहब रहे, बड़े गरीब रहे बेचारे। पुराने जमाने में मास्टर की तनख्वाह लोगों बाय होती एक रुपया डेढ़ रुपया। घर पहुंचे कान लगे, मास्टर नी कल स्कूल में निरीक्षक साहब आएंगे, नए कपड़ा कहां से लाए। उनके घर में एक बाबा आजम के जमाने को पुरानो संदूका रखो, वो संदूका खोलो तो
तो बाम एक पाजामा निकल आओ धरो होया कबहू को। मास्टर जी ने निकालो जैसे ही पैरन में डालो सो पाजामा बड़ो रहे नापो सो चार अंगुर बड़ो। सोचने लगे चलो काट के सिलके और जाई पहने चले। लड़का के पास पहुंचे एक लड़का रहे लड़का से कही बेटा कल स्कूल में निरीक्षक साहब आएंगे पाजामा चार अंगुल बड़ो है जय काट के सिलके रख दियो हम जेई पहने जाएंगे। लड़का बोलो पिताजी मेरो गणित को पेपर हम तुम्हें पाजामा ना काट पे मुझे अध्ययन करने दो अभ्यास करने दो। माँ साहब के घर में एक लड़की बिटिया के पास पहुंचे और बोली बेटी पाजामा चार अंगुल बड़ो है जो काट के सिलके रख दियो तो हम जुई पहने जाए। लड़की बोली है पिताजी मेरो इंग्लिश को पेपर मैं तुम्हें पाजामा को ना काट पाऊंगी। माँ साहब सोचन लगे चलो बच्चन ने मना कर दई लाओ मास्टरनी से कह देवे बहनाओ आज ही जैसो मौसम हुई खराब पानी बरस रहो मास्टरनी कर रही रोटी छप टपक रहो रोटी हुई बे में नहीं आए रहे। रोटी हुई बे में नहीं आए रही मास्टरनी परेशान एक लला पीठ पकड़े ठाड़ो एक गोदी में खेल रहूं रोटी कर रही मास्टरनी परेशान और तोले मासा पिछेला से गए कंधा पे पाजामा धारे और बोले मास्टरनी मास्टरनी जो पाजामा चार अंगुल बड़ो है जब काट के सिलके दियो तो हम जुई पहने जी। अब होन तो रोटी होवे में नहीं आ रही बैठू दिमाग खराब सो मारी गुस्सा के मारे माँ साहब पे झुझलान लगी। माँ साहब बोले जय सिलके धदियो जुई पहने जी रोटी होवे में नहीं आ रही मास्टरनी परेशान सो गुस्सा में बोली हटो पीछे यहां तो रोटी होवे में नहीं आ रही और तुम अपनो पाजामा बजाय रहो ताली आज खूब जयमाला पर बेचारे सक पकाई है सोचने लगे अपना काम सो महाकाम। आए कैंची उठाई और चार अंगुर नाप के पाजामा काट के सिलके मां साहब ने अपने हाथ सो खुटी पे टांग दो चले गए भैंसिया के लिए बरसीम काटन। लड़का पेपर दे के आओ सोचन लगो पापा काटते पाजामा काट दियो कल स्कूल में जी ला और काम बाद करे पहले पाजामा ही काट दे। लड़का ने वो पाजामा उतारो चार अंगो नाप के कच कच कैंची चलाई काट के सिलके बाई जगह धर दो। तो ले आई लड़की बहनाओ लड़की सोचने लगी पापा काटते पाजामा काट दियो पाजामा काट दियो लाओ अब खाना बाद में खे पहले पाजामा ही काट दे। बल लड़की ने पाजामा उतारो काट के सिलके वहीं रख दो। दिन के 1:30-2 बजे घाई मास्टरनी काम ते फुर्सत भाई सोचन लगी दैया रे दैया आज उन पे भके आए और परी पजम्मा की काटते लाओ काट देवे न संजा को उदम होए काट दे बाद में और काम करें।
मास्टर ने पैजामा उतारो काट के सिल्क बाई जगह पे धर दो बहनाओ अब पजम्मा को नहीं रहो घुटन न सभी लोगों ने काट दिया। जैसे ही सवेरा हुआ तो बरसात तो हो ही गई थी, गलियन में कीचड़ रहे। मां साहब सोचने लगे ये पाजामा को यदि हमने यहीं पहन लिया तो जाकी क्रीच खराब है जाएगी। थैला में धर लो, अकेलो कुर्ता पहन के स्कूल में पहुंचे, ऑफिस में रख दो पाजामा। जो निरीक्षक साहब की गाड़ी में हॉर्न लगो, बच्चा स्वागत के लिए गेट की तरफ भागे और मास्टर साहब पजामा के लिए भागे ऑफिस गए। मां साहब पाजामा पहनता रहे, भागता रहे, पहनता रहे और जो निरीक्षक साहब ने देखा तो डिप्टी साहब बोले, अरे मां साहब क्या चक्कर है? जो मास्टर साहब ने नीचे निगाह मारी सो पाजामा गोटुवन ऊपर। कहने लगे, माफ करना सरकार, तुम चक्कर की बात कर रहे हो, मेरे तो सारे घर की खोपड़ी चक्कर में। अंदाजा लगाना बहना, अगर सारे घर की खोपड़ी चक्कर में न होती तो कहे पाजामा को अंडरवियर बन जा। तो भारतवर्ष को आर्यभट्ट कहा गया था, विदेशियों ने जब देश को भारत माता कहा था, इसे सोने की चिड़िया कहते थे लोग।